ये रामपुर दौरा बहुत अहम हो जाता है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि पिछली बार भी आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मौसम बेरहम हो गई थी, इसलिए दौरा इनको कैंसिल करना पड़ा था। 11:30 बजे अखिलेश यहां पर बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 11:50 पर शाहबाद में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। 12:50 पर बिलासपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो रामपुर दौरा आज है और बरेली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और हमारे संवाददाता ओमपाल रामपुर से सीधे जुड़े हुए हैं, क्योंकि किस हिसाब से रामपुर बहुत इंपॉर्टेंट है आज अखिलेश यादव के लिए। ओमपाल देखिए, उनकी पूरी पार्टी की साख दांव पर लगी है। आजम खान जो यहाँ पर एक बड़ा नाम है, एक लंबे समय से नवाबों के बाद अगर कोई बड़ा नाम है तो आजम खान है, क्योंकि उनकी पत्नी अभी भी नगर की विधायक हैं। उनके बेटे की अब्दुल्ला आजम, उनकी भले ही विधायकी रद्द हो गई हो लेकिन वो पहली बार में ही चुनाव जीते और खुद आजम खान सांसद है। एक बड़े परिवार का मुकाबला है और आजम खान खुद सलाखों के पीछे है, तो ऐसी स्थिति में पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती कि उनका साथ दें। यही वजह है कि अखिलेश यादव उनको मजबूत करने के लिए उनके वोटरों को आज क्या बताएंगे और उनके जो वोटर हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो अखिलेश की कौन कौन सी बातों को सुनकर आजम खान के पाले में वोटिंग करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। आज दर्जन भर उनके कार्यक्रम लगे हैं। आप समझिए, अखिलेश यादव इतना इंपॉर्टेंट पूरे रामपुर को ले रहे हैं, सभी विधानसभाओं में जा रहे हैं, हर विधानसभा में उनका स्वागत सम्मान विजय रथ से जाएंगे, जगह जगह उनका स्वागत होगा और कुछ जगह उनकी जनसभाएं हैं जहां पर वो लोगों को संबोधित करके इस बार आजम खान और उनके कैंडिडेटों को जिताने के लिए अपील करेंगे। बिल्कुल ओमपाल, और इसी के साथ आपको बता दें कि आरएलडी रामपुर से आरएलडी जयंत चौधरी भी आज रामपुर दौरा पे हैं। 11:30 बजे रामपुर मनिहारन में जनसभा को संबोधित करेंगे और 1 बजे मानपुर गंगो विधानसभा से जनसभा को संबोधित करेंगे और 2:30 बजे लगभग बाधी नकुड़ विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। ओमपाल, क्योंकि अखिलेश का भी, अखिलेश भी और जयंत को लेकर के यहाँ पर जो अभी कांग्रेस छोड़ करके यहाँ पर सरदार बिट्टू हैं और बलजीत सिंह बिट्टू, इन्होंने पूरे समर्थकों को पूरे जोश के साथ पार्टी को ज्वाइन किया था और उसके बाद यहाँ पर लोकदल को मजबूत करने के लिए आज जयंत चौधरी दूसरी बार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनको उम्मीद है कि यहाँ पर जो हम राजनीतिक जमीन को मजबूत करें वो यहाँ पर निश्चित तौर से मजबूत होगी। तो आज कैमरी में उनकी जनसभा है, तो कैमरी के लोग कितना उनको सपोर्ट करेंगे, कितना उनके पक्ष में वोटिंग करेंगे, ये भी देखना होगा, क्योंकि जिनके समर्थन में आ रहे हैं वो कभी कांग्रेस के लिए काम करते थे, कांग्रेस के एक मजबूत कैंडिडेट हुआ करते थे लेकिन कांग्रेस की गलत नीतियों को लेकर वो वहां से निकल गए। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में वो सब कुछ नहीं है जो पहले होता था, प्रियंका गांधी और लल्लू जी को लेकर के तमाम सारी ऐसी बातें कही, उन्होंने पार्टी को छोड़ा और फिर जयंत चौधरी के साथ जुड़ गए। अब जयंत चौधरी उनको मजबूत करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। जब 3 दिन बाकी हो ओमपाल, और आज जब राजनीति में जो कहा जा रहा है कि लड़के पार्ट 2 की एंट्री हो गई है, तो कितना और अहम हो जाता है और लोगों के लिए? देखिए, अब जो समझ रहे हैं कि 3 दिन रह गए उनके लिए तो 3 घंटे 3 मिनट भी बहुत लग रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि रामपुर एक ऐसी जगह है। आप सोचिए ना, पूरी रियासत के बाद भी रामपुर का एक बड़ा नाम हुआ था जब नवाबों की सियासत होती थी, लेकिन उसके बाद जब रामपुर यहाँ पर आजम खान ने इस पूरे रामपुर पर कब्जा किया तो जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे लोकदल हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, देखिए कल प्रियंका गांधी भी जगह जगह घूमी है और उन्होंने अपने लोगों को लुभाने के लिए यहाँ पर जो उनके कैंडिडेट हैं नवाब घराने के, उनको भी जिताने के लिए बात कही थी। तो अब हर कोई नेता, हर कोई पार्टी ये सोचती है कि रामपुर में हमारा रुतबा हो, हमारा कैंडिडेट हो और हमारा नाम हो, तो उसी नाम को काम से जोड़कर देख रहे हैं। 3 दिन भले ही रह गए लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम रामपुर में जाएंगे और रामपुर की जनता को जो बताकर आएंगे वो शायद हमारी बात को मानकर हमारे कैंडिडेट को जिताए। बहुत बहुत शुक्रिया ओमपाल हमारे साथ इतनी जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज रामपुर में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों जाएंगे और अलग अलग जगह से चुनावी जनसभा को